हमारे घर में जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इस्तेमाल किया जाता है उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में हम केवल एमसीबी और आरसीसीबी को ही कनेक्ट करते हैं। जो हमारा एमसीबी होता है वो हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद जो आरसीसीबी होता है, आरसीसीबी हमें केवल अर्थ फॉल्ट का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हमारे घर के लिए केवल तीन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि हमारे घर में हर तरीके से प्रोटेक्शन मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेस हैं और जो वायरिंग किया गया आपके घर में, उनके प्रोटेक्शन के लिए आपके घर में एक और प्रोटेक्शन डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस प्रोटेक्शन डिवाइस को हम कहते हैं एसपीडी। एसपीडी का फुल फॉर्म होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये जो मेरे पास में एसपीडी है, इस एसपीडी का काम क्या होता है एक बार समझ लीजिए। देखिए, ये जो एसपीडी है, ये एसपीडी आपको अनवांटेड वोल्टेज और साथ ही साथ में आपको अनवांटेड करंट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यानी कि कुल मिला के ये डिवाइस आपको दो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे अनवांटेड वोल्टेज और करंट का मतलब क्या है एक बार समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे घर के होम अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि ये लैंप हो गया, अब यदि मुझे इस लैंप को ग्लो करवाना है तो इस कंडीशन में इस लैंप को मुझे 230 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब यदि हमारे लैंप को 230 वोल्ट के जगह पे 500 वोल्ट चला जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो हमारा लैंप है, लैंप हमारा खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हमारा लैंप होता है, उस लैंप का एक करंट रेटिंग होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो मेरा बल्ब है, इस बल्ब का करंट रेटिंग है 1 एम्पियर। हम मान लेते हैं कि इस लैंप में से हमेशा 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है जब हम इसको ग्लो करवाते हैं। अब यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम आया तो उस कंडीशन में क्या होगा, इस लैंप से ज्यादा करंट फ्लो होने लगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 5 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा बल्ब है, बल्ब भी खराब हो जाएगा। तो यदि आप आपके घर का जो होम अप्लायंसेस है उसको ओवर वोल्टेज और ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हो तो आपको इस प्रकार का सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे आपके माइंड में एक डाउट बन सकता है कि ये जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये डिवाइस हमें ओवर करंट और ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें इसको क्यों इस्तेमाल करना है। जो हमारा एमसीबी होता है, एमसीबी भी हमें ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो एमसीबी आपको ओवर करंट और शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन यदि आपके घर में अचानक से बहुत ही ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में आपका जो एमसीबी है, एमसीबी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन यदि आप इस डिवाइस को लगाओगे तो ये डिवाइस आपके घर में ओवर वोल्टेज से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। अब ये जो मेरे पास में एमसीबी, इस एमसीबी को यदि आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 32। इसका मतलब ये है कि इस एमसीबी में से 32 एम्पीयर करंट फ्लो होता है तो हमारा एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। लेकिन ये जो मेरा सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, इस डिवाइस को यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसमें लिखा गया है यहाँ पे IN 20 किलो एम्पियर, उसके बाद IMAX 40 किलो एम्पियर। इसका मतलब ये है कि ये जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है, इसका जो ऑपरेटिंग करंट है, वो करंट है हमारा 20 किलो एम्पियर से लेके 40 किलो एम्पियर। अब दोस्तों, यहाँ पे आपके माइंड में ये डाउट बनेगा कि हमारे घर में 20 किलो एम्पियर, 40 किलो एम्पियर इतना ज्यादा करंट कैसे आएगा। तो जैसे कि आपको मालूम है, जो आकाशीय बिजली होता है, वो बिजली यदि आपके घर के इलेक्ट्रिक पोल पे गिर जाएगा तो उस कंडीशन में बहुत ही ज्यादा वोल्टेज और करंट फ्लो होता है। वो हमारा वोल्टेज करंट किलो वोल्ट में होता है, यानी कि हजारों में होता है। अब यदि इतना वोल्टेज करंट यदि आपके घर में फ्लो होगा तो उस कंडीशन में आपके घर में जितने भी होम अप्लायंसेस है और जो आपका घर का वायरिंग है, वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा यदि ये करंट हमारा 5 सेकंड से भी ज्यादा करंट फ्लो हो जाता है। तो इसी प्रोटेक्शन के लिए हम हमारे घर में एसपीडी का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो मेरे पास में एसपीडी है, इस एसपीडी को सीएनसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है UP 2.0 KV। इसका मतलब होता है वोल्टेज प्रोटेक्शन लेवल। जैसे कि आपको मालूम है, हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ लिमिट होता है, वैसे इस डिवाइस का इस्तेमाल हम मैक्सिमम 2000 वोल्ट के लिए कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके घर में इससे भी ज्यादा वोल्टेज आ सकता है तो उस कंडीशन में आपको इससे हायर रेटिंग वाली एसपीडी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यदि आपके घर में गलती से भी 2000 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज फ्लो होता है तो उस कंडीशन में ये जो मेरा एसपीडी है, एसपीडी हमारा खराब हो जाएगा। और यदि आपका एसपीडी खराब हो जाता है तो उसका आपको इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये ग्रीन इंडिकेशन है, इसका मतलब ये है कि एसपीडी हमारा सही है। यदि यहाँ पे रेड इंडिकेशन आ जाता है तो इस कंडीशन में आप कहोगे एसपीडी आपका खराब हो चुका है। इसी प्रकार से एसपीडी का सिलेक्शन करने के टाइम हमें ये देखना होता है कि हमारे घर में वोल्टेज जो रिक्वायरमेंट है उसका वोल्टेज कितना है। ये जो डिवाइस है, इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज
385 है, यानी कि मैक्सिमम हमारे घर में 385 वोल्टेज जाएगा, इससे ज्यादा वोल्टेज हमारे घर में नहीं जाने वाला। यदि गलती से भी आपके घर में इससे ज्यादा वोल्टेज आ जाता है तो उस कंडीशन में ये जो हमारा सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है ये क्या करेगा, जो ओवर वोल्टेज है उसको ग्राउंड कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राउंड वाला टर्मिनल है, इस पे आपको अर्थिंग वाले वायर को कनेक्ट करना होता है, तो जो भी ओवर वोल्टेज होगा उसको ये ग्राउंड कर देता है। ओके, अब ये जो डिवाइस है ये डिवाइस हमें किस प्रकार से ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसको भी आप एक बार समझ लीजिए। देखिए ये जो डिवाइस है इस डिवाइस के अंदर में एमओवी लगा होता है। एमओवी का फुल फॉर्म होता है मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर। जो मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर होता है उसका एक ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं 250 वोल्ट है हमारे मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर का ऑपरेटिंग वोल्टेज। अब यदि आप इससे ज्यादा इसको वोल्टेज दोगे तो इसका जो रेसिस्टेंस होता है रेसिस्टेंस कम होगा, यानी कि वोल्टेज ज्यादा होने पर रेसिस्टेंस इसका कम होगा। मान लीजिए कि ये जो डिवाइस है इस डिवाइस के इस टर्मिनल पे हमने 250 वोल्ट को कनेक्ट करके रखे हैं। अब यदि इससे ज्यादा वोल्टेज आता है तो इस कंडीशन में इसके अंदर में जो एमओवी लगा हुआ है उसका रेसिस्टेंस कम होने लगेगा, और यदि इसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो पावर सप्लाई है वो पावर सप्लाई हमारे इस पॉइंट पे आ जाएगा। अब ये जो टर्मिनल है इस टर्मिनल पे हम अर्थिंग वायर को कनेक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ओवर वोल्टेज है वो पूरा का पूरा यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि आपके घर में जितने भी होम अप्लायंसेस है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा। ओके दोस्तों, यदि आप आपके घर में इस डिवाइस को लगाना चाहते हो तो इस कंडीशन में आपको दो बातों का ध्यान देना होगा। सबसे पहला बात यह है कि आपके घर में अर्थिंग होना चाहिए। यदि आपके घर में प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो उस कंडीशन में आप इस डिवाइस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहला कंडीशन हो गया आपके घर में अर्थिंग होना चाहिए। उसके बाद ये जो हमारा डिवाइस है, इस डिवाइस को यदि आप बाय करने जाओगे तो इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कि यदि आप इस टू पोल वाली एसपीडी को बाय करने जाओगे तो ये कम से कम आपको 3000 से लेके 5000 तक का मिलेगा, यानी कि इसका प्राइस बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, इसका प्राइस ज्यादा होने के कारण इसका उपयोग मोस्टली इंडस्ट्री में किया जाता है, और जो हमारा सोलर पैनल होता है उसको भी आकाशीय बिजली से बचाने के लिए इस टाइप का एसपीडी का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब चलिए दोस्तों यहाँ पे हम ये सीख लेते हैं कि इस डिवाइस का कनेक्शन हम किस प्रकार से हमारे स्विच बोर्ड में करेंगे। तो जो हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में सबसे पहले तो हमें एमसीबी को कनेक्ट करना होता है। हमने यहाँ पे टू पोल का एमसीबी कनेक्ट किया क्योंकि हमारे पास में अभी सिंगल फेज का पावर सप्लाई है। अब इस एमसीबी के बाद में आपको एसपीडी को कनेक्ट करना होता है, तो हम क्या करेंगे, एमसीबी के बगल में थोड़ा सा स्पेस को बना देंगे। तो मैं यहाँ पे जो हमारा आरसीसी भी है इसको मैंने थोड़ा साइड कर दिया, और इसको भी थोड़ा साइड करके इसके बीच में मेरा जो सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस है इसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। तो हमारे घर के एनर्जी मीटर से दो वायर आ गया है, एक वायर हमारा फेज सप्लाई के लिए और दूसरा न्यूट्रल सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो एक टर्मिनल है इस पे हम रेड वायर को कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे वाले टर्मिनल पे न्यूट्रल वाले वायर को कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि इस एमसीबी को हमने इनपुट पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिए। अब यहाँ पे जो हमने फेज सप्लाई कनेक्ट किया इसका आउटपुट हमें इस टर्मिनल पे मिलेगा, तो इस टर्मिनल पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको ले जाके जो हमारा एसपीडी है इस पे जो एल लिखा हुआ है उस टर्मिनल के साथ इस वायर को कनेक्ट करना है। तो इस वायर को लेके जाएंगे और जहां पे एल लिखा हुआ है उस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। इस प्रकार से इस एमसीबी का जो ये वाला टर्मिनल है इस पे हमने न्यूट्रल पावर सप्लाई को कनेक्ट करके रखे हैं, तो इसका जो आउटपुट है वो हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। तो इस पॉइंट पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको लेके जाएंगे और जो हमारा एसपीडी है इस एसपीडी पे जहां पे एन लिखा हुआ है उस टर्मिनल के साथ इस वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। अब इस एसपीडी का जो फेस वाला टर्मिनल है इससे हम एक और वायर को लूप करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक रेड वायर को कनेक्ट कर देता हूँ और इस वायर के दूसरे सिरे को लेके जाना है, और जो हमारा आरसीसी भी है इस आरसीसी भी को हमें इनपुट पावर सप्लाई देना है फेस सप्लाई वाली। तो मैं इस वायर को ले जाके आरसीसी भी के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद इस एसपीडी का जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है इस टर्मिनल पे आपको एक ब्लैक वायर को कनेक्ट करना है, यानी कि न्यूट्रल वायर को कनेक्ट करना है, और इस न्यूट्रल वायर को ले जाके आपका जो आरसीसी भी है इस आरसीसी भी को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड करना है। तो इसको ले जाके मैं आरसीसी भी के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये जो आरसीसी भी है इस आरसीसी भी को जब हम चालू करेंगे तो इससे जो आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो दो नंबर का टर्मिनल है इसपे हमें फेज सप्लाई मिलेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। इस पॉइंट पे वायर को कनेक्ट करने के बाद इस वायर का जो दूसरा सिरा होगा इसको ले जाके हमारा जो सिंगल पोल का एमसीबी है इसको इनपुट पावर सप्लाई देना है। तो मैं क्या करता हूँ ये जो फर्स्ट एमसीबी है सिंगल पोल वाली इसको इनपुट पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देता हूँ।
अब इस एमसीबी के बाद में जितने भी सिंगल पोल के एमसीबी होंगे उनको आपको फेस सप्लाई प्रोवाइड करना है वायर को लूप करते हुए। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा वायर का लूप इस्तेमाल करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इस एमसीबी के साथ कनेक्ट कर दूंगा जिससे कि इसको फेस सप्लाई मिल जाए, और इसका जो दूसरा सिरा हुआ इसको लेके जाऊंगा, और जो मेरा सेकेंड एमसीबी है इसको मैं इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर दूंगा। अब इस आरसीसीबी से जो हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई मिलेगा उस न्यूट्रल पावर सप्लाई को हमें लेके जाना है और जो हमारा न्यूट्रल बस बार है उसके साथ कनेक्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल करता हूँ, इस वायर को लेके जाऊंगा और जो न्यूट्रल टर्मिनल है उसके साथ इसको कनेक्ट कर दूंगा। अब इस वायर का जो दूसरा सिरा है इसको लेके जाएंगे और जो न्यूट्रल बस बार है इसके किसी भी एक टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। अब इस एसपीडी के नीचे वाले टर्मिनल पे आप देखोगे अर्थिंग का सिम्बॉल बना हुआ है, यानी कि आपके घर का जो अर्थिंग वाली वायर होता है इस वायर को लेके आना है और इस अर्थिंग वाले टर्मिनल पे आपको कनेक्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वायर को ले जाके अर्थिंग वाले टर्मिनल के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूँ इस प्रकार से। अब इसके बाद में जो वायरिंग किया जाएगा वो हमारे रूम के लिए या फिर स्विच बोर्ड के लिए वायरिंग किया जाएगा। तो वहां पे हमें क्या करना होता है कि जो हमारा सिंगल पोल का एमसीबी है इस एमसीबी से हम फेस सप्लाई को लेके जाते हैं और जो न्यूट्रल पावर सप्लाई जाएगा वो इस बस बार से जाएगा। ओके, तो कनेक्शन केवल आपको इतना ही करना होता है। अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये एसपीडी हमें किस प्रकार से सर्ज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। देखिए, सबसे पहले तो क्या करना होगा कि ये जो एमसीबी है इस एमसीबी को हमें ऑन करना पड़ेगा यदि हमें हमारे घर में पावर सप्लाई को पहुंचाना है। अब इस एमसीबी को हमने ऑन कर दिए, आरसीसीबी को ऑन कर दिए और जो सिंगल पोल के एमसीबी इन सभी को भी ऑन कर दिए। अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो एसपीडी है इसके जो ऊपर वाले दो टर्मिनल है इस पे हमने फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई को कनेक्ट करके रखे हैं। अब यदि आपके घर में वोल्टेज नॉर्मल रहता है तो उस कंडीशन में इस पॉइंट पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट है उसका आउटपुट यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन यदि अचानक से वोल्टेज बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे जो पावर सप्लाई कनेक्ट है वो पावर सप्लाई हमारा इस पॉइंट पे आ जाएगा और इस पॉइंट पे जो अर्थिंग वाली वायर कनेक्ट है इससे पावर सप्लाई हमारा ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि इस डिवाइस के बाद में जो डिवाइसेस कनेक्ट है इसमें ज्यादा वोल्टेज नहीं जाने वाला, पूरा ओवर वोल्टेज हमारा यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।